फ्रेंड्स, मैं सर्वेश आपका दोस्त। मेरे नए वीडियो में फिर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड हर तरह की जानकारी टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों, प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक क्रिकेट के सबसे लेजेंड इन टर्म ऑफ द बॉलिंग, और एक ऐसा क्रिकेटर जो दुनिया में बहुत महान है, लेकिन एक उसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है। जितनी उसकी महानता है उतनी उसके साथ एक मतलब कंट्रोवर्सी भी, लेकिन उस कंट्रोवर्सी का मतलब ये नहीं कि उसने कुछ गलत किया, उसके साथ गलत हुआ, इसलिए हम इसको कंट्रोवर्सी बोल रहे हैं। जी हाँ, तो आज का हमारा जो वीडियो का टाइटल है मुथैया मुरलीधरन एंड कंट्रोवर्सी। जी हाँ, मुथैया मुरलीधरन और उनके साथ जो हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, जिसे आप सबको पता है कि इनका पूरा नाम देशबंधु मुथैया मुरलीधरन था। ही वॉज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर और अभी वो आधुनिक टाइम में श्रीलंका टीम के कोच भी हैं और आईपीएल के लिए सनराइजर हैदराबाद के भी बॉलिंग कोच हैं। तो लेकिन उनका जो मुथैया मुरलीधरन का टेस्ट मैच का जो बॉलिंग का रिकॉर्ड है, यानी प्रति टेस्ट लगभग 6 विकेट के आसपास, सोचिए हर टेस्ट में लगभग 6 विकेट। मुरलीधरन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल गेंदबाज में से एक माना जाता है, और वो टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने वाले दुनिया के मात्र इकलौते गेंदबाज हैं। वो टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट को मिला करके अब तक से किसी भी वर्ल्ड में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक विकेट लेने वाले मात्र एक गेंदबाज है। अब दोस्तों, मुरलीधरन का अंतर्राष्ट्रीय करियर उनकी गेंदबाजी के एक्शन को लेकर के विवाद में रहा। जब वो पैदा हुए थे तो वो जन्म से ही उनका हाथ कुछ मतलब मुड़ा हुआ था, असामान्य था, जैसे सामान्य बालक थे उनकी तरह नहीं था, और उनका हाइपर एक्सटेंशन के कारण था उनका हाथ थोड़ा सा ज्यादा घूमता, जैसे नॉर्मल बॉलर का बॉल ऐसे आता उनका हाथ थोड़ा सा दूर से घूमता था। तो इससे क्या हुआ, क्रिकेट के जितने समुदाय थे और एम्पायरों ने इनके एक्शन पर एक इनके ऊपर विरोध जताया और इसको भी एक सवाल उठाया कि हाँ, इनका एक्शन जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिकेट में नॉर्मल एक एक्सटेंशन होता है कि उससे ज़्यादा आप हाथ को नहीं घुमा सकते। तो इसलिए क्रिकेट के जो जानने वाले लोग, जो जानकार थे और कमेंटेटर थे, उन लोगों ने इनके ऊपर उंगली उठाई और उनका सिमुलेटेड प्लेइंग कंडीशन के तहत जब बायो मैकेनिकल एनालिसिस हुआ, तो उसके बाद मुरलीधरन के एक्शन को लेकर के इंटरनेशनल क्रिकेट जो आपका आईसीसी है, उसने 1996 और फिर 1999 में मुरलीधरन को एक ग्रीन सिग्नल दिया कि ही इज एबल टू प्ले द इंटरनेशनल मैच। लेकिन उससे पहले मुरलीधरन को कई बार बायो मैकेनिकल जो आपका एक टेस्ट होता है उसमें एक्शन को लेकर उसके थ्रू उनको मतलब गुजरना पड़ा था। तो दोस्तों, एक और बात बता दूं कि मुरलीधरन लगभग 1711 दिन और उसके बीच में लगभग 214 टेस्ट मैच हुए, तो उतने दिनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन गेंदबाज का उन्होंने रुतबा हासिल किया था। यानी कि लगभग 1711 दिन तक मुरलीधरन आईसीसी के नंबर वन गेंदबाज बने रहे। फिर दोस्तों, मुरलीधरन ने 5 फरवरी 2009 को कोलंबो में गौतम गंभीर का विकेट लेकर के और ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वसीम अकरम के 502 विकेट को पीछे छोड़ते हुए और वर्ल्ड के एक दिवसीय के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। और इसके बाद मुरलीधरन ने 22 जुलाई 2010 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और आखिरी टेस्ट में आखिरी गेंद पर उन्होंने भारत के प्रज्ञान ओझा का विकेट लिया, तो वो उनका 800वां विकेट था। अब दोस्तों, आज मैं आपको मुरलीधरन की एक अर्ली एंड पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ। मुरलीधरन का जो जन्म है 17 अप्रैल 1972 को हुआ था। उनके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर पेरियासामी सिन्हासामी, जो कि भारत के वो तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन जब 1920 के मध्य में वो चाय के बगानों में काम करने के लिए श्रीलंका चले जाते और वहीं पे बच जाते। फिर कुछ समय के बाद हो क्या होता है, वो अपने बेटियों के साथ भारत में वो त्रिचनापल्ली जो कि अभी तमिलनाडु में वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है मुरलीधरन अपने पिताजी के साथ वहीं पे रह जाते हैं। जब मुरलीधरन स्टार्टिंग के 8 या 9 साल के थे, तब से उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की स्टार्ट की और उस समय वो एक तरह से मध्यम तेज गति के गेंदबाज हुआ करते थे। लेकिन उस समय उनके जो स्कूली कोच थे सुनील फर्नांडो, उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि तुम एक मीडियम पेसर ना बन करके एक तुम ऑफ स्पिन गेंदबाजी करो, और उनकी सलाह मान करके मुरलीधरन ने ऑफ स्पिन गेंदबाजी करना शुरू कर दी और 14 साल की उम्र में उन्होंने ऑफ स्पिन गेंदबाजी को अपनाया और बहुत जल्दी वो उस अपने प्रारूप में इतने उनको
उनको महारत हासिल हुई कि वो अपने स्कूल में काफ़ी फेमस हो गए और उसी स्कूल में वो अगले 4 साल तक उस प्लेइंग 11 के पार्ट थे। फिर उसके बाद दोस्तों मुरलीधर स्कूल छोड़ने के बाद तमिलनाडु इंडियन क्रिकेट लीग और एक एथलेटिक क्रिकेट क्लब, वहाँ वो जो श्रीलंका के दो मेन आपके क्लब हैं उन क्लब में शामिल हो गए। और उसके बाद क्या होता है कि मुरलीधरन का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, फिर मुरलीधरन को 1991 में श्रीलंका के टीम का एक टीम का दौरा होता है इंग्लैंड टूर के लिए, उसमें वो चुने जाते हैं। हालांकि मुरलीधरन का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं होता है और 5 मैच में उनको एक भी विकेट नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो श्रीलंका वापस आ जाते हैं, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और उसी समय श्रीलंका में ही ऑस्ट्रेलिया के टीम का टूर होता है और उनको जो श्रीलंका का जो बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की टीम होता है उसकी तरफ से खेलने का मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उस मैच में मुरलीधरन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देते हैं तो उसी के वजह से ही आर प्रेम जो श्रीलंका के स्टेडियम में आर प्रेम देसा, तो दूसरा जो टेस्ट मैच होता है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, उस मैच में मुरलीधरन को डेब्यू करने का मौका मिलता है। फिर दोस्तों एक और बात बता दूं कि मुरलीधरन के पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI का एक उनका एक एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट ये होता है कि भारत में उनको आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ी, वो जब चाहे तब भारत में आ सकते हैं। तो ये भी एक मुरलीधरन की एक मत पर्सनैलिटी को देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था। अब मुरलीधरन के डोमेस्टिक कैरियर कैसे रहा दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे। घरेलू क्रिकेट में मुरलीधरन ने 2 प्रथम श्रेणी श्रीलंकाई पक्ष, जिसमें आपको मैंने ऊपर आपको जिक्र किया है कि तमिलनाडु यूनियन क्रिकेट लीग और एक प्रीमियर ट्रॉफी एथलेटिक क्लब जो श्रीलंका के दो आपके स्टेट वाइज क्लब हैं उनको उन्होंने क्या क्या रिप्रेजेंट किया था। और उसके बाद उन्होंने मध्य प्रांत के लिए भी खेला, उनका असाधारण रिकॉर्ड था जैसे कि उन्होंने 46 फर्स्ट क्लास मैचेस में 14.51 की औसत से 234 विकेट लिए। और एक और बता दो, मुथैया मुरलीधरन ने लंकशायर जो काउंटी क्रिकेट वहां पे 1999, 2001, 2005 और 2007 के लिए खेले थे काउंटी क्रिकेट। और उसके बाद दोस्तों उन समय एक और बता दूं कि मुरलीधरन एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से ज्यादा वो टेस्ट मैच क्रिकेट खेले हैं मुरलीधरन। और एक और बात बता दूं कि मुरलीधरन को 2008 और 9 में भारत के रणजी ट्रॉफी की टीम जो बंगाल है, बंगाल टीम को भी प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुबंधित किया गया था, हालांकि वो बाद में खेले नहीं। अब मुरलीधरन का इंटरनेशनल कैरियर ग्राफ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मुरलीधरन खेल के इतिहास में वो रिस्ट स्पिनर यानी कलाई के स्पिन पहले स्पिनर है, उनके पास स्टॉक डिलीवरी है जो जिसके अलावा उनके पास ऑफ ब्रेक जिसके बारे में मुरलीधरन ने दावा किया उनके पास 2 तरह की और विभिन्नता है, लेकिन उनकी जो मुख्य डिलीवरी हुई तेज उनकी टॉप स्पिन होती है जो सिकर की जो सीधे बैट्समैन के पास पड़ के सीधे निकलती है। और एक दूसरा उनका आश्चर्यजनक डिलीवरी है जिसको हम दूसरा बोलते हैं जो क्या करता उसी एक्शन में वो एक्चुअली क्या करता लेग स्टिक से घूम करके उल्टी जाती है, जो लेग से हम जानते हैं कि ऑफ स्पिनर का बॉल ऑफ टू लेग जाता है लेकिन वो दूसरा उनकी बॉल लेग स्टिक पे पिच हो करके और ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी निकलती है जिसको आसानी से पिक करना बैट्समैन के लिए बहुत ही एक टफ वर्क था क्योंकि उनका एक्शन उसी तरह था, वो उसी एक्शन से ऑफ स्पिन भी घुमा देते थे, टॉप स्पिन भी कर देते थे और उसी में से वो अपना दूसरा बॉल भी कर देते थे। तो इसीलिए जो वर्ल्ड के बैट्समैन थे उनको पिक करना बहुत एक टफ काम था और उनकी जो ये कलाइयाँ थी वो इतनी मतलब लचीली होती थी कि उसी एक्शन से उनको गेंदबाजी कर देते थे। तो जैसे मैं बताया कि ये सब चीज़ें देखते हुए मुरलीधरन को वर्ल्ड के बैट्समैन पिक कर पाने में बहुत असमर्थ रहे, यहाँ तक कि भारत के सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलने में माहिर माने जाते थे उनको भी खेलने में तकलीफ हुई थी। फिर दोस्तों 28 अगस्त 1992 को 20 साल की उम्र में मुरलीधरन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेतरामा स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच होता है उसमें वो डेब्यू करते हैं और 141 रन देकर के 3 विकेट लेते हैं और उनका जो पहला टेस्ट मैच का विकेट था वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट मैटर मार्क थे। और उन्होंने उसी टेस्ट के टाइम में मुरलीधरन की कितनी स्पिन गेंदें होती वो देखने को मिली। एक बार ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन टॉम मूडी थी, टॉम मूडी के ऑफ स्टंप से 2-3 फीट बाहर बॉल गिरी ऑफ स्टंप से और उस वहां से टर्न होकर के मूडी की लेग स्टंप को उन्होंने उखाड़ ले गए। तो इससे ये समझ में आता था कि मुरलीधरन स्पिन कराने में बहुत माहिर थे। हालांकि मुरलीधरन के बारे में एक बार ये भी कहा जाता था कि उनकी कलाई में इतना जादू थी स्पिन में कि ही वॉज एबल टू स्पिन द बॉल ऑन द टफ इवन ऑन द ग्लासेस ऑल्सो। तो उसी के जिक्र में 1992-93 में इंग्लैंड
और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में लगातार श्रीलंका की जीत हुई, जिसमें मुरलीधरन ने अहम भूमिका निभाई थी और धीरे धीरे अपनी ताकत का उन्होंने पूरी दुनिया में एक तरह से एक्सपोजर करने लगे थे। और उनके जो कैप्टन थे अर्जुना रणतुंगा, उनको मुरलीधरन को पूरा सहयोग मिला था। फिर 1993 में मोरानुआ में मुरलीधरन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने कैरियर में पहली बार 5 विकेट लिए, 104 रन देकर के 5 विकेट लिए। और उस 5 विकेट में खास उनकी विशेषता ये थी कि उनमें जो विकेट वाले जो उनके 3 बैट्समैन थे उसमें थे कैप्टन वेसल्स, हेंसी क्रोनी और उसके बाद जॉन्टी रोड्स। फिर दोस्तों उसके बाद मार्च 1995 में श्रीलंका का टीम का न्यूजीलैंड का टूर होता है, जो कि हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड का जो कंडीशन है पूरा स्विमिंग कंडीशन होता है, पीचेस घास वाली होती है, लेकिन उस पिच पे भी मुरलीधरन ने गेंद को स्पिन कराया और दुनिया में अपने स्पिन होने के गेंद को लोहा मनवाया। और इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए उसी समय के जो श्रीलंका के मैनेजर थे दिलीप मेंडिस, उन्होंने ये बात बोल दिया था कि ना मुरलीधरन इवन टर्फ और ग्लास पे भी अपने बॉल को घुमा सकते हैं। फिर दोस्तों वहां तक 1995 तक मुरलीधरन 22 टेस्ट मैच खेल चुके थे और 32 की औसत से 80 विकेट ले लिए थे। अब पारी आती है मुरलीधरन के करियर का जहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, 1995 का बॉक्सिंग डे टेस्ट। जी हां, श्रीलंका का वो सबसे एक तरह से क्या था कि वो दौरा खासतौर से मुरलीधरन के करियर का सबसे एक तरह से भुला देने वाला दौरा था। और उस समय तक मुरलीधरन श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा विकेट ले चुके थे और उन्होंने रमेश रत्नायक के 73 विकेट लेने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिए थे। अब बॉक्सिंग डे का दोस्तों इंसिडेंट होता है, बॉक्सिंग डे में 1995 में मेलबर्न ग्राउंड पे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच होता है और जो ऑस्ट्रेलिया के एम्पायर होते हैं डेरल हार्पर, वो श्रीलंका के मुरलीधरन का उन्होंने लगातार 3 ओवर में 7 गेंदे उनकी नो बॉल करार देते हैं, जिससे क्या होता है कि मुरलीधरन का मनोबल काफ़ी टूट जाता है और वो ये बोलते हैं कि मुरलीधरन हाथ को थ्रो कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो, इस तरह से पहले 5 कॉल होता है, 5 कॉल के बाद क्या होता है, जो श्रीलंका के कप्तान होते हैं अर्जुना रणतुंगा, वो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन के बाद 3 बजे के आसपास वो ग्राउंड छोड़ करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद 5-10 मिनट के बाद फिर वापस आ जाते हैं, फिर से मुरलीधरन आते हैं, फिर मुरलीधरन की 2 और गेंदें होती है उसको भी नोबल दिया जाता है। फिर इसके बाद एम्पायर से कन्वेंस होकर बात किया जाता है कि आखिर में इसको ऊपर ने क्या किया जाए कि जिस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, मैच के अंत में श्रीलंका एक खिलाड़ी आईसीसी से जाकर के जो उनके एम्पायर होते हैं डेयर लेयर, उनकी वो कंप्लेन भी करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आखिर इस समस्या का कैसे समाधान होना चाहिए। फिर दोस्तों मुरलीधरन को फिर उसी समय के दौरान 1996 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी और हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और जो बायो मैकेनिकल एनालिसिस के लिए जाना जाता है, जहां पर हर एक गेंदबाज की जो अपनी एक्शन में कुछ भी अगर संदिग्धता पाई जाती है तो उनके एक्शंस को वहां पर सही करने के लिए बुलाया जाता है। तो वहां पर मुरलीधरन जाते हैं, फिर उससे संघर्ष ये निकलता है कि उनका एक्शन उतना कोई खास बुरा नहीं है, वो बस एक बैट्समैन को एक तरह से भ्रम में डालते हैं और इवेंचुअली मुरलीधरन को उस समय क्लीन चिट मिल जाती है। और दोस्तों उस समय तक मुरलीधरन 100 टेस्ट विकेट लेने वाले श्रीलंका के पहले गेंदबाज बन जाते हैं, जब वो हैमिल्टन में टेस्ट के दूसरी पारी में कीवी बल्लेबाज स्टीवन फ्लेमिंग को आउट कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों जनवरी 1998 में मुरलीधरन ने कैंडी के पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला 10 विकेट का हॉल लेते हैं और श्रीलंका वो मैच 8 विकेट से जीत जाता है। और मुरलीधरन उस मैच में 117 रन देते हैं 12 विकेट लेने के लिए। और उसी वर्ष अगस्त में मुरलीधरन इंग्लैंड के खिलाफ मात्र एक टेस्ट में 220 रन देकर के अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और 16 विकेट लेते हैं। और इंग्लैंड की दूसरी पारी में मुरलीधरन ने लगभग 55 ओवर की एक टेस्ट मैराथन ओवर फेंका, जिसमें मुरलीधरन 65 रन देकर के 9 विकेट लेते हैं। और दोस्तों वो 10 विकेट लेने वाले थे एक इनिंग में, जबकि क्या हुआ था, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे बेन होलियोक वो रन आउट हो जाते हैं। फिर उसी श्रृंखला के दौरान डोमिनिक कॉक का 200वां विकेट लेकर वो 200वां टेस्ट विकेट अपना पाते हैं और उसके बाद श्रीलंका 10 विकेट से वो मैच जीत जाता है और इंग्लैंड की धरती पर श्रीलंका की ये पहली जीत थी। इसके बाद दोस्तों अपना 98वां टेस्ट मैच खेलते हुए मुरलीधरन ने दिसंबर 2000 में डरबन में पहले टेस्ट में सेंट पोलो को आउट करके अपना 300वां विकेट हासिल किया और अपने 56वें टेस्ट में डेनिस लिलिस से ही
थोड़ी सी वो पीछे रह गए थे, जबकि हम जानते हैं कि डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज थे जिन्होंने 56वें टेस्ट में 300 विकेट पूरा किया, जबकि मुरलीधरन ने 58 टेस्ट यानी कि 2 टेस्ट और ज़्यादा खेले थे। फिर दोस्तों ये कारवां आगे बढ़ते बढ़ते 4 जनवरी 2002 को होता है, जब कैंडी में मुरलीधरन ने एक पारी में अब तक के सबसे आंकड़े हासिल किए, लेकिन वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 9 विकेट लेने का दावा भी करते हैं। वहाँ भी यही होता है कि आंद्रे रसल एक बार शॉर्ट लेग पर एक कैच छोड़ देते हैं, जबकि 10वें जो प्लेयर है उनका कैच छोड़ देते हैं, उसके बाद अगली ओवर में चमिंडा वासु वो विकेट ले लेते हैं और वहाँ पे मुरलीधरन वो विकेट लेने से चूक जाते हैं, और वहाँ भी मुरलीधरन पहली पारी में 51 रन देकर के 9 विकेट लेते हैं और दूसरी पारी में 64 रन देकर के 4 विकेट लेते हैं, और अब रिचर्ड हेडली के 10 विकेट लेने की रिकॉर्ड की बराबरी भी कर लेते हैं वहाँ पे। फिर दोस्तों वहाँ से बढ़ते बढ़ते आगे आती है 15 जनवरी 2002 को, जब अपने 72वें टेस्ट खेलते हुए मुरलीधरन गाल के तीसरे टेस्ट में ओलंगा को बोल्ड करके 400 विकेट लेने वाले और सबसे तेज युवा गेंदबाज बन गए। फिर बारी आती है 16 मार्च 2004 को, जब वो कैंडी में खेले गए श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान मुरलीधरन 500 विकेट लेने वाले सबसे तेज और सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन जाते हैं, और गाल के दोनों टेस्ट के बीच में मुरलीधरन से पहले कुछ दिन पहले ही शेन वॉर्न ने 87 टेस्ट में 500 का अपना आंकड़ा पार किया था, लेकिन इसके बाद मुरलीधरन ने 87वें टेस्ट में अपने 500 का आंकड़ा पूरी करते हैं, क्योंकि उनसे पहले जो उनके शेन वॉर्न थे उन्होंने 108 टेस्ट मैच खेले थे 500 विकेट लेने के लिए, और जो मुरलीधरन का 500वां विकेट होता है वो थे ऑस्ट्रेलिया के माइकल कस्ट्रोइज। फिर इस तरह से मई 2004 की बारी आती है, जब मुरलीधरन ने वेस्ट इंडीज के कोर्टनी वॉल्स के 519 विकेट के वो रिकॉर्ड को पीछे छोड़ के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाते हैं, और मुरलीधरन जिम्बाब्वे के मुलेला नकाला की टेस्ट मैच में विकेट लेकर के अपने 520वां विकेट लेते हैं, जो कोर्टनी वॉल्स के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं। और एक उसी साल मुरलीधरन के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 2006 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया, और उस सन में मुरलीधरन मात्र छः टेस्टों में 60 विकेट लिए था, और उन्होंने लगातार 4 मैचों में प्रत्येक मैच में 10 विकेट का कारनामा किया। फिर बारी आती है जुलाई 2007 में, जहां पे मुथैया मुरलीधरन ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न के 700 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाते हैं, और कैंडी के असगिरिया स्टेडियम में वो तीसरे और अंतिम टेस्ट में चौथे दिन बल्लेबाज जो बांग्लादेश के बल्लेबाज हैं सैयद रसल, उनको परवेज महरूख से डिप मिड विकेट पे कैच कराते हैं, और उसके बाद वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है मुरलीधरन की 3 दिसंबर 2007 को, जब कैंडी में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले फिर से विकेट वो एक गेंदबाज बन जाते हैं, और स्पिनर ने इंग्लैंड के पॉल कॉलिंगवुड को अपने 709वां टेस्ट शिकार बनाया, और इस प्रक्रिया में वो फिर शेन वॉर्न को पीछे छोड़ देते हैं, और वो मुरलीधरन अपने 116वें टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया, यानी कि शेन वॉर्न से 29 मैच कम में, जहां पे शेन वॉर्न प्रति विकेट को लेने के लिए 25.41 ओवर करते थे या बॉले करते थे, जबकि मुरलीधरन एक विकेट लेने के लिए वहाँ पे 21.77 बॉले लिया करते थे। फिर दोस्तों बारी आती है जुलाई 2007 में, जब मुरलीधरन ने LGICC प्लेयर रैंकिंग का वो 920 रैंकिंग पॉइंट किया, जब तक से बेस्ट बॉलर का रिकॉर्ड है, अब तक से किसी बॉलर ने LG का 920 बॉलिंग का वो जो पॉइंट को उसको मतलब प्राप्त नहीं किया, तो ये भी एक तरह से मुरलीधरन के लिए अचीवमेंट था। फिर भी दोस्तों मुरलीधरन के साथ एक और वंडरफुल रिकॉर्ड ये है कि मुरलीधरन सभी 9 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ 10 या 10 से अधिक विकेट या और पर टीम के खिलाफ उन्होंने 50 अधिक विकेट लेने का भी एक इनका यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो वर्तमान में 200 से अधिक टेस्ट विकेट के साथ किसी भी गेंदबाज के लिए उच्चतम विकेट मैच अनुपात 6.1 रखता है, यानी कि हर टेस्ट मैच में मुरलीधरन लगभग 6.1 गेंद मतलब विकेट को लेते हैं, और 175 में से 118 टेस्ट में श्रीलंका का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें वो 67% मैचों में श्रीलंका को मैच जिताया है। फिर दोस्तों मुरलीधरन अपने द्वारा खेले गए 133 टेस्ट मैचों में 54 में जीत की ओर थे, और उन जीतने वाले मैचेज में मुरलीधरन के 438 विकेट थे, यानी कि हर जीत वाले मैच में मुरलीधरन का पर मैच में विकेट था लगभग 8.1 का, और वो हर 16वीं गेंद पे एक विकेट लेते थे, और नहीं सॉरी हर 16.18 रन पे एक विकेट लेते थे मुरलीधरन, और हर 42.7
सात बॉल पे एक विकेट लेते थे। अब दोस्तों मैं मुरलीधरन के विक्टिम्स के बारे में एक बात बता दूं, जो मुरलीधरन का पहला टेस्ट विकेट थे वो थे ग्रेग मैकडरमॉट, 100वां विकेट थे उनके स्टीवन फ्लेमिंग, 200वां थे डेमनी कॉक, 300वां थे सेन पोलॉक, 400 थे हैंडी ओलंगा, 500 थे माइकल कास्पोविच, 600 होते हैं खलील मसूद, 700 होते हैं सईद रसील एंड 800 होते हैं भारत के प्रज्ञान ओझा। तो ये दोस्तों इस तरह से मुरलीधरन के 134 टेस्ट मैचेस में 800 विकेट का कारनामा है। और दोस्तों अब जाते जाते मैं आपको मुरलीधरन के कुछ ओडीआई के कारनामे बता दूं। 12 अगस्त 1993 को मुरलीधरन ने खेतरामा स्टेडियम में अपना श्रीलंका के लिए ओडीआई में डेब्यू किया था और उस मैच में उन्होंने 33 रन दे करके एक विकेट लिए थे। और उनका जो पहला ओडीआई विकेट था वो था प्रवीण आमरे का था। फिर 27 अक्टूबर 2000 में शारजाह में मुरलीधरन ने भारत के खिलाफ 30 रन देकर 7 विकेट लिए, जो उस समय तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। फिर 2006 में मुरलीधरन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे अब तीसरे सबसे अधिक 99 रन बनाए थे। और उसमें क्या हुआ था कि एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका उस मैच में परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था और उसमें मुरलीधरन ने अपने 10 ओवर में 99 रन दिए थे। उस मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज थे एडम गिलक्रिस्ट मुरलीधरन के ऊपर काफ़ी आक्रामक हुए थे। उसके बाद दोस्तों एक और बात बता दूं, मुरलीधरन 1996, 99, 2003, 2007 और 2011 में 5 विश्व कप में श्रीलंका टीम के साथ थे, जिन्होंने 67 विश्व कप विकेट लिए। वो ग्लेन मैकग्रा के 71 विकेट लेने वाले के बाद दूसरे नंबर पे गेंदबाज थे। फिर मुरलीधरन 5 फरवरी 2009 को वसीम अकरम के सबसे ज़्यादा विकेट 502 के विकेट को भी ध्वस्त कर दिया। उन्होंने भारत के युवराज सिंह का विकेट ले करके और सबसे ज़्यादा बार ODI में भी विकेट लेने का कारनामा किया। और जब तो उस समय मुरलीधरन ने उस समय वसीम अकरम की रिकॉर्ड की बराबरी किया था, उस समय तक मुरलीधरन उस खेल में 13 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके थे। उसके बाद दोस्तों मुरलीधरन के साथ कुछ जो गलत चीज़ें हुई उसके बारे में बताया जाता हूँ। मुरलीधरन ने ऑस्ट्रेलिया के भीड़ में नियमित रूप से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट हुआ, लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी कई बार अंडे फेंके गए और एक बार उनको नोबल करके बुलाया जाने लगा। एक बार की बात है, ऑस्ट्रेलियन जो आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जॉन हेवर्ड, उन्होंने मुरलीधरन को चक्कर के नाम से बुलाया गया था। और श्रीलंका के पूर्व कोच और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी ने भी एक बार बोला था कि जिस तरीके भीड़ ने मुरलीधरन के साथ बिहेव किया उसको देख करके मुझे आज भी शर्म आती है। और ऑस्ट्रेलिया में 2008 कॉमनवेल्थ बैंक श्रृंखला के दौरान भी एक घटना हुई थी जब मुरलीधरन के ऊपर दर्शकों द्वारा अंडे फेंका गया था। और दोस्तों एक छोटा सा फैक्ट बता दूं कि अभी कुछ उसी समय थे श्रीलंका और जिसे श्रीलंका के मुरलीधरन और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न के नाम पे भी एक वार्ड मुरलीधरन ट्रॉफी हुई थी, जो कि 2007 से स्टार्ट हुई थी। और वो दुनिया के इकलौते प्लेयर हैं जो कि हर टीमों के खिलाफ 10 से ज़्यादा विकेट लिए हैं और लगातार वो 10 विकेट 4 टेस्टों में लेने का कारनामा किया है और 11 बार उनको टेस्ट मैच में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों प्लीज़ आप मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द डिस्कॉर्ड सर्वर वेयर वी कैन चैट एंड वी कैन डिस्कस द थिंग्स। और दोस्तों आज जाते जाते अब कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर बता दूं आपको। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा गेंदबाज है जिसने एक टेस्ट मैच के दोनों पारियों में हैट्रिक लिया था। जी हाँ, तो वो गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलिया के जिमी मैथ्यू, जिन्होंने 1912 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ही टेस्ट के एक ही दिन में दोनों इनिंग में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज थे। अब आज का क्वेश्चन है कि कौन सी टीम है जो वर्ल्ड के मतलब 60 ओवर के 50 ओवर में और 20 ओवर के मैचों का वर्ल्ड कप जीती है। विच टीम हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ द 60 ओवर, 50 ओवर एंड 20 ओवर। और आज का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, एडम गिलक्रिस्ट होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग द मोस्ट नंबर ऑफ द टेस्ट मैचेस आफ्टर डेब्यू। जी हाँ, एडम गिलक्रिस्ट अपने डेब्यू के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले बल्लेबाज, उन्होंने 96 टेस्ट खेला था जब वो अपना डेब्यू किए 5 नवंबर 1999 से लेकर के 24 जनवरी 2008 के बीच में 96 टेस्ट मैच खेले थे, तो ये भी एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।